ऑल राइट, गुड मॉर्निंग बच्चों. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 की केस स्टडी है. केस स्टडी इज बेस्ड ऑन द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, आपने पढ़ा होगा. और एमसीक्यू की फॉर्म में पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड टू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. सही बात है. सो इफ यू हैव अ सेल, ओके, एंड एक एक्सटर्नल आप लोड लगा देते हैं, ये लोड होता है, ओके, तो एक करंट दौड़ने लग पड़ता है. द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ऑल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द करंट लाइक अ कंडक्टर. देखिये, जो सेल है वो बेसिकली उसके अंदर एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. उनमें से एक फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज करा है, कितना सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का एक्सपोज्ड है, और टेम्परेचर कितना है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जो सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट, इज, और सेल कितना पुराना है, राइट. अगर सेल बहुत पुराना है तो ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, राइट. नए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, राइट. तो जब हम सेल बनाते हैं तो उसके साथ ये भी बनाते हैं. मैं थोड़ा सा रिविजन करवा रहा हूं. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत बड़ा योगदान है, ओके, और ये आपका एक एक्सटर्नल लोड है, ओके. तो ये जो पूरा यहां से यहां तक जो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं सेल का. सेल का अपना ईएमएफ ई होता है, लेकिन जो उसके टर्मिनल्स पे अवेलेबल होता है ईएमएफ, दैट इज वी, उसको वी टर्मिनल बोलते हैं. मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए आप, जिसमें ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में बताया गया है, राइट. ग्रुपिंग ऑफ सेल इन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स को आप पैरेलल में भी ग्रुप कर सकते हैं, सीरीज में भी ग्रुप कर सकते हैं, और मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, राइट. आगे बढ़ते हैं. द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है. तो ये जो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया, ये एक सेल का बदलता रहता है. जैसे पुराना हो गया सेल तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. हाँ, देखिए, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द है, टेम्परेचर के ऊपर भी है. इलेक्ट्रोड जो होते हैं एनोड और कैथोड, वो कितने डूबे हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कितना उनका एरिया एक्सपोज्ड है. काफी डिटेल दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि थ्योरेटिकली जो पूरा चैप्टर है पोटेंशियल ऑफ अ ग्रुपिंग ऑफ सेल, जो टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस के इतने ज्यादा डिटेल वैसे जनरली पढ़े नहीं जाते. लेकिन इस बार सीबीएसई ने डेफिनेटली दे हैव गिवन अस अ सरप्राइज बाय गोइंग एट दिस लेवल. यू कैन गो टू माई प्लेलिस्ट एंड वॉच मेनी वीडियोज ऑन ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे और वैसे ही क्वेश्चन इस क्वेश्चन में भी आए हैं. ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस अ पार्ट ऑफ द एनर्जी सप्लाई इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. ऑब्वियसली जो आप ईएमएफ दे सकते थे इस एक्सटर्नल लोड को, वो आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि आपका अंदर ही लॉस हो जाता है. तो काफी लॉस बैटरी के अंदर हो जाता है, और उसी की वजह से ये वेस्टेज हो जाती है. सो ये वेस्टेज यहां पे होती है. जब बैटरी की पावर यूज होती है तो अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ पावर खा जाता है. When no current is drawn from the cell, the potential difference between the two electrodes is known as EMF of the cell. बिल्कुल ठीक बात है. जो दोनों अंदर electrodes हैं, anode और cathode, उनके बीच में जो EMF होगा, that will be called as the current draw नहीं हो रहा basically, right? तो anode और cathode के बीच में जो potential available है, that is known as EMF. अगर यहाँ पे एक मैं circuit open कर दूँ और अब करंट नहीं दौड़ रहा, तो ऑब्वियसली जो आपका जो अवेलेबल टर्मिनल पे है, दैट इज द ईएमएफ, ओके. सो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का यही डिफरेंस होता है, राइट. ईएमएफ तब होता है जब करंट ड्रॉ नहीं करते, टर्मिनल वोल्टेज तब होती है जब करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं, ओके.
When a current is drawn from the cell, the potential difference between the two electrode is termed as the terminal potential difference. ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है. मैंने सारे अपने जितने भी थ्योरेटिकल वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, मेरी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, उनमें ऑलरेडी ये एक्सप्लेन्ड है कि क्या कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के डिफरेंस का. ओके, आइए अब इस केस स्टडी के ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको पढ़ते हैं और उस पर ट्राई करते हैं कि कौन सी चीजें हमें पता है. पहला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चुननी है. The potential difference between the two terminals of a cell in a closed circuit, मतलब ऐसे closed है, ये open circuit नहीं है. Open होता तो जो terminal voltage है वो EMF ही होती है. The potential difference, मतलब the terminal voltage in a cell in a closed is less than the EMF during the discharge of the cell. Yes, true. आप अभी battery को use कर रहे हैं तो discharge ही कर रहे हैं, और VT जो होता है इट इज लेस देन EMF, क्योंकि अब आपका VT के साथ जो है टर्मिनल वोल्टेज इसलिए कम होता है क्योंकि जो EMF है उसमें से हमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप है पोटेंशियल का वो भी इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि अब आप करंट खींच रहे हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा पोटेंशियल खा जाएगा और बैटरी की जो वोल्टेज है अवेलेबल थी उसमें से थोड़ा हिस्सा वेस्ट करके जो बाकी है वो आपको टर्मिनल वोल्टेज की फॉर्म में देगा. तो ये दिस इज करेक्ट. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, बाकी एलिमिनेशन करके देखते हैं. हो सकता है बाकी दोनों ठीक हो जाए तो ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाए. व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल द सर्किट इक्वेशन इज V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. बिल्कुल ठीक बात है. द टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल इज ई माइनस आई आर, राइट. इस समय अगर मैं यहां करंट खींच रहा हूं, राइट, तो मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज यहां पे अवेलेबल है, दिस इज माय टर्मिनल वोल्टेज, दैट इज ई माइनस आई आर. सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस, जहां भी वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी and the current drawn through it is a straight line with a negative slope. बिल्कुल ठीक बात है. अगर आप इस equation को देखेंगे that the potential V terminal is equal to E minus IR. एक second के लिए आप ये मान लीजिए कि internal resistance fixed है, तो this equation Y is equal to EMF of the cell is also fixed. So say let it this be a number minus X into ये constant है मान लीजिए into R. ये straight line है, नेगेटिव स्लोप भी बनाती है, राइट. इट इज अ नेगेटिव स्लोप क्योंकि माइनस एक्स नजर आ रहा है, राइट. सो MX इंटरनल रेजिस्टेंस इज द एक्चुअली द स्लोप. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब इसके ऊपर आते हैं. देखिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये मुझे थ्योरेटिकली पहले ही मालूम था, इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. द इंटरनल रेजिस्टेंस इज जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम रेजिस्टेंस होता है, और जितना कम टेम्परेचर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बड़ा होता है. सो द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी. देखिए जिन लोगों को इतनी थ्योरी नहीं मालूम थी कि भाई टेम्परेचर और इंटरनल रेजिस्टेंस का आपस में लिंक है, वो इसको कैसे सॉल्व करते, मान लिया कि क्वेश्चन मुश्किल है, वो सॉल्व इसलिए करते क्योंकि ए सी और डी ये तीनों आपको पता होने चाहिए थे. थ्योरेटिकली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, तभी आप एलिमिनेशन के प्रोसेस से आपने गलत आंसर ढूंढ लिया. मुझे पता था कि ए सी डी ठीक है, इसलिए एक ही चॉइस बची कि बी रॉन्ग है. और अगर मेरे को ये तरीका नहीं पता था तो मुझे थ्योरेटिकली जो थोड़ा टफ मेथड है मुझे ये पता था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, राइट. तो पहला मेथड ऑफ एलिमिनेशन इज अ बेटर मेथड जिसमें आप करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने आप फिल्टर आउट हो जाती है. आइए आगे बढ़ते हैं. टू सेल्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ओ एंड सो आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी. ओके, आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है. ग्रुपिंग ऑफ द सेल है, एक सेल आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा सेल आपका पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसका ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहां पे आपने इनको जोड़ा, ये पैरेलल में जोड़ दिया आपने इनको,
और आपको पता लगाना है व्हाट इज देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है इनका, राइट? सो 2 वोल्ट और ये है 6, सॉरी ये कितना रेजिस्टेंस है इसका 2 वोल्ट वाले का, आई थिंक इट इज 0.1 ओम, राइट? सो दिस इज 0.1 ओम और ये है 6 वोल्ट एंड दिस इज 0.4 ओम्स, राइट? सो दीज आर द टू विच आर कनेक्टेड, यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट। तो ये ऑलराइट, तो देखिए ये जनरली मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो सेल्स हम पैरेलल में लगाते हैं, राइट, दे शुड बी एक्चुअली इक्वल सेल्स, इनका ईएमएफ दोनों का बराबर होना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो बनाया था पहले जिसके अंदर मैंने समझाया था कि इस तरह की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है किसी काम की नहीं होती है, प्रैक्टिकल यूज में कोई यूज नहीं होता जब तक ये बराबर ना हो जाए, राइट? तो खैर एनीवे दिस इज नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन है इसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या है यहाँ पे, राइट? इन दो पॉइंट्स के बीच में इस सर्किट को ले लेते हैं, लेट्स मूव लाइक दिस, दिस इज, इफ आई मूव लाइक दिस आई विल हैव अ सिचुएशन, किरशॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगा रहा हूं मैं उसके ऊपर, द टोटल वोल्टेज अवेलेबल इज 4 वोल्ट एंड माई टोटल रेजिस्टेंस इज 0.1 and 0.5, राइट? सो 0.1 and 0.5 इंटू आई द करंट विच इज मूविंग इन साइड दिस सर्किट, सो मेरा जो टोटल करंट है दैट इज 4 divided by 0.6, राइट? सो दिस इज 40 divided by 6 एंड दिस बिकम्स 20/3 amperes, ये करंट इसके अंदर दौड़ रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज अ बिगर ऑफ द बैटरीज, तो करंट की डायरेक्शन जो होगी इस डायरेक्शन में होगी। हमें निकालना है पॉइंट ए और बीच के बीच में ईएमएफ, राइट? अब किसी भी साइड चल लें, आप अगर इस तरफ से चलते हैं ऊपर से, राइट, या नीचे से आप चलना चाहते हैं नीचे से चलिए, तो द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस, राइट? ऐसे करंट दौड़ रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 20/3 × 0.4 इज इक्वल टू 8/3, राइट? सो दिस इज 8/3 इज द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हियर, दिस इज 6 वोल्ट, राइट? सो यहां ड्रॉप हुआ पोटेंशियल -8/3, यहां पे गेन हुआ 6 वोल्ट का। सो बी टू ए जाने में वी आर गोइंग टू हैव 6 - 8/3, सो दिस बिकम्स 3, दिस इज 18 - 8 इज इक्वल टू 10/3। आई डोंट नो व्हाई नन ऑफ द आंसर इज मैचिंग, लेट्स सी दिस अगेन, दिस इज 0.1 ओम एंड दिस इज 0.4 ओम, इफ आई मूव इन दिस माय टोटल रेजिस्टेंस इज, if I move in this circuit it is 2 and 6, right? So the net voltage is point 0.4 de rakha, so this is 0.1 plus, so this is 0.5 and this actually is 5/8, so this is 8 amperes which is moving, right? So this is 8 ampere aur iske across jo drop ho gaya that is 3.2, 8 into 0.4, aur to net is 6 - 3.2, right? 3.2. So the answer is 2.84. So this is the correct answer, right? तो थोड़ी सी calculation error हो गई थी जो किसी के साथ भी हो सकती है. You should be careful. Let's talk about part number 3. Dipped in the solution, the electrodes exchange charges with the electrolyte. ठीक बात है. जो electrodes हैं वो exchange करते हैं electrolyte के साथ charges. The positive electrode develops a potential of V plus and the negative electrode develops a potential of minus V, correct? Relative to the electrolyte adjacent to it. With no current drawn from the cell, then total EMF is the sum of V plus V naught. It is the sum of V naught plus V minus is less than zero. The total EMF is the difference of V plus and V minus greater than zero or V. देखिए इन ये तीन जो इक्वेशन है, ये 1, 2, 3 जो आपका इलेक्ट्रोड अंदर डूबा हुआ है, राइट, इसने अगर V प्लस पे है ये और ये V माइनस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी,
because v plus minus v minus is the potential difference, right, which is available to you in the form of EMF, should be greater than zero. You cannot have EMF less than zero, okay? And you don't add the potential of anode and cathode to get the EMF. It is a difference in the potential. Now let's go to part number A. Okay, ये कोई दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसी के साथ है. Five identical cells of EMF 2 volts. ये मैंने आपको बोला, ये useful है. जब सारे EMF बराबर होते हैं, वो सेल यूज हो जाते हैं प्रैक्टिकली. तो उनका देखिए, ये जो सेल्स हैं, ये सारे जो हैं आइडेंटिकल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो एक, दो, तीन, चार, और एक ऊपर मैं और लगा देता हूं, पांच. और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 है. ओके, 0.1 सबका 0.1 है. दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर ऑफ 9.98. ओके, सो लोड भी है. ओके, सो देयर इज अ लोड आल्सो व्हिच वी नीड टू कनेक्ट. इसको हम एक्सटर्नल लोड से जोड़ देते हैं. ओके, दिस इज द लोड. ये लोड है 9.98 का. सारे 2 वोल्ट के हैं, तो दैट मीन्स द एक्चुअल EMF विच इज अवेलेबल टू यू, राइट, इज एक्चुअली, अगर करंट दौड़ रहा है सबके अंदर, राइट, सो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सबका इक्वल रेजिस्टेंस है इंटरनल, पर आपको निकालना है ये वाला करंट. ओके, सो ये देखिए, पांचों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये वाले 1, 2, 3, 4, तो 1/R इक्विवेलेंट, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं बैटरी के, विल बिकम 5/R. And therefore the R equivalent will become R/5. ये आपका R equivalent बन गया यहाँ पे. और यहाँ पे जो इनकी equivalent EMF है, right, ये जो आपकी equivalent EMF है, वो 2 volt ही होगी, क्योंकि सारे 2 volt के हैं, right? So that will be 2 volts. 2 volt है क्योंकि parallel में है सारे के सारे. तो total resistance जो सर्किट में हो गया, वो हो गया, एक हो गया आपका R/5, विच इज आई थिंक 0.1/5, राइट, दिस इज योर R इक्विवेलेंट. तो एक आ गया आपका 0.1/5, और बाहर जो लगा हुआ है दैट इज 9.98. तो मैं 0.1/50 को अगर मैं डिवाइड करता हूं, आई गेट 0.02. सो ये मेरा 0.02 है. मेरा जो EMF है, सी, If the EMFs are in parallel, अगर parallel में और same है, तो उनका EMF वही होता है. सब parallel में 2 volt है, तो इसका 2 volt हो गया. So, ये है 0.02. So, the total resistance of the circuit is 9.98 plus 0.02 is equal to 10. So, therefore, the current in the circuit will be given by the voltage available is 2. The total resistance is 10. Right, so the current is 0.2 amperes. The answer, correct answer is D. Okay, अब इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया. आई थिंक ये इन दोनों में चॉइस है, ए और बी के अंदर. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन द ओपन सर्किट इज 6 volt. ओपन सर्किट है, इसका मतलब EMF है. ओके, तो आपने इसको 6 volt, मैं पार्ट बी कर रहा हूं, आपके पास एक सेल था, आपने इससे करंट ड्रॉ करना शुरू करा, तो 4 volt रह गई वो, राइट. तो ठीक है, इसके अंदर होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी. और जैसे ही आपने करंट ड्रॉ करा, मतलब कहीं बाहर करंट, ये लोड लगाया और ये करंट आपने इससे खींचा, तो आपने जब ये एमीटर रखा, तो करंट जो आपने नापा वो दैट बिकेम 2 amperes, राइट. इसका मतलब 6 volt उसका अपना EMF था, उसमें से 2 volt इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया. तो दिस इज 2 volt, राइट, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, विच इज आई आर इज इक्वल टू 2. अब आपको मालूम है द करंट इज 2, सो 2 × R इज इक्वल टू 2 एंड R इज इक्वल टू 1 ohm. सो द करेक्ट आंसर इज A. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल प्रॉपरली. थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेफिनेटली CBSE वालों ने इस बार जो क्वेश्चन का पेपर बनाया,
मैं इसे डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल बोलूंगा। आप जो भी पढ़ाई करें आने वाले वक्त में, प्लीज इंश्योर दैट इट इज विद डीप रीजनिंग। इजी इजी क्वेश्चन करने से अब काम सीबीएसई में चलने नहीं वाला है। जो टीचर टाइम पास करने के लिए सिर्फ हल्ला मचाएंगे और ड्रामा करेंगे, यू नो, आप उससे पास नहीं हो पाएंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी चाहिए, दैट इज विद एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल, नहीं तो सीबीएसई का एग्जाम भी पास करना अब मुश्किल लग रहा है। तो वाकई में जो सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है इस बार टफ इसलिए लगा क्योंकि बच्चों ने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने चालू पढ़ाई करी क्योंकि घर के पास कोई ट्यूटर है उससे पढ़ लिया, कोई ऑनलाइन सस्ता है उससे पढ़ लिया, और क्वालिटी की तरफ फोकस नहीं दिया। जबकि सीबीएसई का मैसेज बड़ा क्लियर है दैट दे आर वेरी क्वालिटी कॉन्शियस एंड दे आर रियली वांट द स्टूडेंट्स हु हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन साइंस। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट इन साइंस नहीं है तो आप इस ब्रांच को छोड़ के कॉमर्स और आर्ट्स में शिफ्ट हो जाए। अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो 6 से 8 घंटे पढ़े, और अगर आपको ट्यूटर या हेल्प चाहिए देन प्लीज सीक हेल्प ऑफ अ क्वालिटी ट्यूटोरियल सर्विस और अ क्वालिटी एजुकेशनिस्ट। जो बेकार और टाइम पास और जो हंसी मजाक हो रहा है दैट विल नॉट हेल्प। अब जो सीबीएसई का पैटर्न है, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चनिंग है, ये तो एंट्रेंस के टक्कर की ऑलमोस्ट हो गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।